3 महीने में ये बड़ी घटनाएं घटित होंगी। कर्क राशि मित्रों नमस्कार, मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। कर्क राशि वालों के लिए 10 अक्टूबर से लगा करके नवंबर और दिसंबर तक लगभग 3 महीने तक क्या क्या बड़ी घटनाएं घटित होंगी उसकी मैं जानकारी देने का प्रयास करूँगा। उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यह जो मैं राशिफल बना रहा हूँ कर्क राशि वालों का, यह 10 अक्टूबर से शुरू होगा और यह फलादेश नवंबर और दिसंबर तक का रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरी चीज ये ध्यान रखिएगा, यह राशिफल अगर आपके लग्न पास लग्न कुंडली है तो यह गोचर अपने लग्न कुंडली पर लगा करके देखें, सटीकता ज़्यादा मिलेगी। लग्न के अनुसार जब भी उपाय किए जाते हैं मान के चलिए रिजल्ट 100% मिलता है। लेकिन अगर आपके पास लग्न कुंडली नहीं है तो ऐसे में अपने प्रचलित नाम के अनुसार या राशि के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हो, उपाय कर सकते हो, कहीं ना कहीं उसमें भी आपको राहत मिलेगा। सबसे पहले आप स्क्रीन पर चार्ट देखिए, ये है ग्रहों का गोचर इस प्रकार से बना हुआ है। ये 10 अक्टूबर का चार्ट है। आपकी कुंडली में प्रबल रूप से कारक होते हैं मंगल देवता और मंगल देवता का गोचर शुरुआत में आपके 12वें भाव में है। लेकिन ध्यान रखिएगा लग्न पर 20 कर्क राशि में 20 अक्टूबर को मंगल देव गोचर करने लगेंगे और यहां पर पूरा समय मंगल का गोचर रहेगा। हालांकि नीच के मंगल रहेंगे लेकिन फिर भी जबरदस्त तरीके से फल आपको अच्छा देंगे। कुछ मामलों में आपको जरूर सावधानी रखनी पड़ेगी। दूसरी चीज सूर्य देवता, ये 17 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में चले जाएंगे और उसके बाद सूर्य धनु राशि में 15 दिसंबर तक का रहेंगे, यानी कि वृश्चिक और धनु तक का गोचर सूर्य देवता का रहने वाला है। आपकी कुंडली में पंचम और छठे भाव में सूर्य देव विराजमान रहेंगे। बुध देवता ये तुला राशि में 10 अक्टूबर को पहुंच जाएंगे, फिर उसके बाद वृश्चिक राशि में रहेंगे। कहने का मतलब ये है आपकी कुंडली में 4थे और 5वें भाव में बुध देव का गोचर इस अवधि में रहने वाला है। वैसे तो यह बताने की जरूरत नहीं होती है कि ग्रह कहां कहां गोचर करेगा, क्योंकि बहुत से लोग ये जानते ही नहीं है कि गोचर क्या होता है। लेकिन बहुत से ऐसे भी हमारे जातक हैं जो ज्योतिष के विषय में लिखते हैं, अक्सर कमेंट करते हैं कि चार्ट आप दिखा दिया करिए और बता दिया करिए, इसलिए मुझे ये आपको बताना पड़ रहा है। बच्चे शुक्र देवता, शुक्र देवता 13 अक्टूबर को धनु राशि में, 13 अक्टूबर तक वृश्चिक राशि में रहेंगे, उसके बाद धनु मकर और कुंभ राशि में गोचर करेंगे। ये है गोचर। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। अब शुरू करते हैं राशिफल और जानकारी देंगे उन जातकों के विषय में जो लोग नौकरी कर रहे हैं। आपकी कुंडली में कर्म का मालिक मंगल देवता केंद्र में बैठने जा रहा है, आपके लग्न पर बैठने जा रहा है, तो एक तरफ नीच का मंगल कहीं ना कहीं आपकी मानसिक अशांति जरूर बढ़ाने वाला है। गुस्से की अधिकता आपके अंदर इस अवधि में रहेगी, ये तो है निगेटिव पॉइंट। लेकिन वहीं पर प्लस पॉइंट ये है, 4-10 का संबंध बना करके केंद्र का मालिक केंद्र में ही बैठेगा। इसका मतलब ये रहा अगर नौकरी नहीं है आपके पास तो निश्चित तौर पे नौकरी मिल जाएगी, यह शुभ प्रभाव रहा। और अगर नौकरी पहले से करते हो सरकारी या प्राइवेट या पार्ट टाइम, तो उसमें उन्नति के चांसेस मंगल देव की वजह से कहीं ना कहीं बनते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। यह एक बहुत बड़ा सुकून वाला समय रहेगा सभी जातक और जातिकाओं के लिए जो नौकरी कर रहे हैं या जो नौकरी पाना चाहते हैं। बात करें अगर व्यापारियों की तो व्यापार में बढ़िया ग्रोथ होते हुए दिखाई पड़ेगी, क्योंकि व्यापार के लिए भी मंगल का यहां पर गोचर करना बहुत शुभ फलदायक रहेगा। कारण है उच्च भाव पर मंगल की दृष्टि रहेगी, तो व्यापारियों के लिए भी सुकून वाला समय रहने वाला है। व्यापार आपका बढ़िया तरीके से बढ़ता हुआ चला जाएगा, कहीं ना कहीं आर्थिक लाभ
सभी नौकरी करने वालों के लिए और व्यापारियों के लिए बनता हुआ दिखाई पड़ेगा। विद्यार्थी हो थोड़ा अशांति रहेगी, जल्दबाजी से बचिएगा क्योंकि लग्न पर मंगल बैठेगा। ओवर कॉन्फिडेंट मत हो जाइएगा तो आपके लिए बढ़िया है। गोचर के अकॉर्डिंग स्थिति अच्छी बनी हुई है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है और प्रेमी जोड़ों के लिए भी स्थिति ठीक ठाक बढ़िया दिखाई पड़ रही है क्योंकि प्रेम का भाव किसी भी तरीके से आपका पीड़ित नजर नहीं आ रहा है। इसके बाद अगर बात करें उन व्यक्तियों की जो लोग भाग्य के विषय में जानना चाहते हैं तो आपकी कुंडली में भाग्येश ऑलरेडी बैठा हुआ है ग्यारहवें भाव में। यह एक बड़ा सुकून वाला समय हो जाता है जब भाग्य हमारा साथ देता है तो बाकी चीजें अगर थोड़ी कमजोर भी हो जाए तो भी हमारे काम सुगमता से बनते हुए चले जाते हैं। भाग्येश वक्री अवस्था में है और लंबे समय तक का भी वक्री रहेंगे तो भाग्य प्रबल रूप से आपका साथ देता रहेगा। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हो उसमें लाभ मिलता रहेगा। यात्राएं करोगे लोकल में या देश विदेश की, वहां पर भी प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको मिलेगा। सभी क्षेत्रों में भाग्य की अहम भूमिका होगी आपको आगे बढ़ाने के लिए। इसके अलावा जिन लोगों के दुश्मन बहुत ज्यादा हैं उनको भी परेशान नहीं होना है क्योंकि आपका पंचम भाव बढ़ने जा रहा है और पंचम भाव होता है छठे भाव का व्यय, यानी कि जब पंचम भाव मजबूत होता है तो उस समय शत्रुओं का विध्वंस होता है, शत्रुओं पर जातक या जातिका विजय प्राप्त करता है, रोगों पर विजय प्राप्त करता है। और वहीं पर जब छठा भाव मजबूत होता है तो रोग और शत्रु बढ़ते हैं। आपकी कुंडली में पंचम भाव मजबूत होने जा रहा है, इसका मतलब यह रहा कोर्ट कचहरी वाद विवाद शत्रुओं पर आप हावी रहोगे, सभी काम आपके सुगमता से बनेंगे क्योंकि दैवी कृपा भी आपकी ऊपर जबरदस्त तरीके से बनी हुई है। जो जातक शेयर सट्टे में निवेश करते हैं लंबे समय के लिए या शॉर्ट टाइम के लिए, उनके लिए भी ग्रह गोचर अनुकूल बना हुआ है। मकान वाहन आदि पर अगर निवेश करना चाहते हो वहां पर भी गोचर अनुकूल बना हुआ है। कोई नया काम व्यवसाय नौकरी आदि करना चाहते हो तो वहां पर भी गोचर आपके अनुकूल बना हुआ है। वैवाहिक जीवन की अगर बात करें तो पति पत्नी में आपसी सामंजस्य बढ़िया तरीके से बना रहेगा, कहीं ना कहीं वैवाहिक जीवन के लिए भी गोचर अनुकूल बना हुआ है। एक शुभ प्रभाव और नजर आ रहा है, एक तरफ गुरुदेव बृहस्पति आपके लिए संतान प्राप्ति के प्रबल योग बनाए हुए हैं क्योंकि वक्री अवस्था में है, तो दूसरी तरफ मंगल भी पंचम स्थान से नौ पंचम का योग बना करके 20 अक्टूबर से पूरा नवंबर और पूरा दिसंबर जबरदस्त तरीके से संतान प्राप्ति कराने में आपकी सहायता करेगा। ये एक बहुत बड़ा शुभ फल है। अगर आप संतान की कामना रखते हो या आपके संतान से किसी भी प्रकार का वैचारिक मतभेद आपका चल रहा है तो वह समाप्त होता हुआ दिखाई पड़ेगा। ध्यान रखिएगा मंगल जल्दबाजी का ग्रह है, इसका प्रभाव मन पर और मस्तिष्क पर दोनों पर पड़ रहा है। जो भी काम करना सोच समझ करके करना तो आपके लिए अच्छा होगा। धैर्य से यदि काम करोगे तो वह काम कोई भी हो बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जल्दबाजी करोगे जो कुछ भी परेशानी आएगी ये ध्यान रखिएगा आपके जल्दबाजी के चलते ही आएगी। तो हर काम में पेशेंस रखना आपके लिए रामबाण उपाय रहेगा। इसके अलावा आप उपाय की बात करें और धन की बात करें तो उपाय में गुरुदेव बृहस्पति आपके ऊपर प्रबल रूप से मेहरबान है क्योंकि इधर गुरुदेव बृहस्पति भी वक्री हैं, उधर शनि भी वक्री हैं, तो शनि पीछे की तरफ जाते हुए प्रतीत होंगे। तो कार्य क्षेत्र पर जो शनि का दुष्प्रभाव पड़ रहा था वह समाप्त होता हुआ नजर आएगा। तो उपाय के स्वरूप में ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौ सह गुरुवे नमः इस मंत्र का 108 बार यदि जप करोगे तो फल बहुत ज्यादा अच्छे आपको मिलते हुए दिखाई पड़ेंगे। और अगर आर्थिक स्थिति की बात करें तो आपके धन भाव पर
आमदनी के भाव पर गुरुदेव बृहस्पति वक्री होने जा रहे हैं। इसका मतलब ये रहा, कोई भी काम करते हो, कैसा भी काम करते हो, पैसे की समस्या आपको आपके पास नहीं रुकने वाली। इन 3 महीनों तक लगातार किसी न किसी माध्यम से पैसा आपका बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। और उधर धनेश का गोचर 3रे और 4थे स्थान पर रहेगा। हालांकि सूर्य नीच के जरूर रहेंगे, क्योंकि जैसे ही ये तुला में जाएंगे नीच के हो जाएंगे, लेकिन केंद्र में रहेंगे। उच्च दृष्टि से आपके दशम भाव को प्रभावित करेंगे, तो कार्य क्षेत्र के लिए तो बहुत बढ़िया रहेगा। वो मैं शुरुआत से ही बता रहा हूं, काम कारोबार आपका बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन पुनः दोहरा दूं, मानसिक अशांति के दौर से भी आपको थोड़ा बहुत गुजरना पड़ सकता है, इस चीज का ध्यान रखिएगा। उपाय करिएगा, खुश रहिए, वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए। नमस्कार।